योग का बहुत बड़ा दर्शन महर्षि पतंजलि ने, योग दर्शन एक ग्रंथ का ही नाम योग दर्शन है। चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वेद, ये मुख्य 11 उपनिषद हैं जो प्राचीन उपनिषद हैं। वैसे तो 100 से अधिक उपनिषद हैं, 6 दर्शन हैं। ईसकेन, कठ, मुंडुक, मांडुक, छांदोग्य, बृहद, आरण्यक उपनिषद, ऐसे अलग अलग उपनिषद हैं। 6 दर्शन हैं मुख्य रूप से, योग दर्शन, सांख्य दर्शन, न्याय और वैशेषिक दर्शन, वेदांत और मीमांसा दर्शन। तो इसमें योग दर्शन में योग का पूरा दर्शन है, योग की पूरी फिलॉसफी, वो आज आपको बताएंगे। योग से क्या होता है, मैं तो कहता हूँ, मैंने कई तरह से योग की महिमा बताई आपको। योग से क्या होता है, इसका लाइव एग्जाम्पल है पतंजलि योगपीठ। तो आप पतंजलि योगपीठ से जो कुछ चल रहा है, सामाजिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, धार्मिक रूप से, संगठनात्मक रूप से, माने योग से क्या होता है, वो पतंजलि योगपीठ में आकर के देख लो। और जो योग करेगा उसके जीवन में, जैसे पतंजलि योगपीठ के द्वारा करोड़ों लोगों का सौभाग्य जगा है, ऐसे ही जो योग करेगा उसके जीवन का सौभाग्य का द्वार खुल जाएगा। बस ये एक लाभ है, सब प्रकार का सौभाग्य। ये बहुत बड़ी विद्या, इसलिए इसको एक शब्द में नहीं बांधा जा सकता। सब कुछ उसके भीतर से प्रकट हो जाता है जो योग करता है, सारा ज्ञान, सारा सामर्थ्य, सारा सुख, सारा ब्रह्मांड अपने पिंड में, सारे वेद, मैं कह रहा था ना, चार वेद, उपनिषद, दर्शन, शास्त्र, सारा ज्ञान विज्ञान, चारों वेद। एक तो बाहर के, जैसे अभी भी यहाँ पर वेद पाठ हो रहा है, चारों वेदों का यज्ञ यहाँ पर होता है। अभी ऋग्वेद का यज्ञ चल रहा है, और इस यज्ञ में, अग्निहोत्र में, अभी इस बार ये ऋग्वेद की आहुतियाँ अभी पड़ रही हैं, इससे पहले अथर्वेद का, यजुर्वेद का, सामवेद का यज्ञ हो रहा है। और 4 अगस्त तक, 4 अगस्त को श्रद्धेय आचार्य वाक्ष्मण जी महाराज जी का जन्मदिन है, और तब तक चारों वेदों का यज्ञ पतंजलि योगपीठ में पूरा हो जाएगा। आप उसके वेद के मंत्र यहाँ पर आप सुन रहे हैं। तो माने इतने बड़े तीर्थ में, जहाँ चारों वेदों का ज्ञान है, जहाँ योग का ज्ञान है, और जहाँ अपने ऋषियों की सारी ये जो ऊंची विद्या, ब्रह्म विद्या, अध्यात्म विद्या, अपरापरा विद्या, इस ब्रह्म विद्या में आप दीक्षित हो रहे हैं, ये सारा सौभाग्य आपको मिल रहा है। इस सौभाग्य को निरंतर बनाए रखना, जो योग सीखा इसको रोज करते जाना, देखना अपने भीतर दिव्यता आती जाएगी। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। न ज्यादा खाओ न कम खाओ, न ज्यादा ठंडा खाओ न ज्यादा गर्म खाओ, बहुत बैलेंस बैलेंस रहना चाहिए। चलो उज्जाई करते करते ना गला अच्छा हो जाएगा, जो गड़बड़ी आ गई है ये भी ठीक हो जाएगी। यथाशक्ति रोकने के बाद फिर दाएं नाक को बंद करके बाएं से छोड़ देते हैं। इससे थ्रॉट इन्फेक्शन, गले का इन्फेक्शन, टॉन्सिल की प्रॉब्लम, स्नोरिंग, स्लीप एपनिया, रात को सोते सोते खर्राटे आना, सोते सोते स्वस्थ रुक जाना, थायराइड की बीमारी, गले के बहुत तरह के रोग होते हैं, वो सब ठीक हो जाते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम आपको पहले काफी करवा दिया, फिर भी एक बार 5-7 बार कर लीजिए। पांच सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना, फिर धीरे धीरे 10 सेकंड हो जाएगा। लंबा हो जाएगा, लंबा लेना, लंबा छोड़ना। करते करते योग सिद्ध हो जाएगा आपका। ततक्षयति प्रकाश श्रवणम धारणा सुच योग्यता मनस।
शरीर इंद्रियों और चित्त के सारे दोष नष्ट हो जाते हैं प्राणायाम से, ध्यान से। बुरा विचार ही आपके मन में आएगा ही नहीं, बुरा विचार, बुरी सोच, बुरी दृष्टि, बुरी बात देखने की, बुरी चीज सुनने की, बुरा दृश्य देखने की, बुरी बात सुनने की, बुरा विचार अंदर नहीं आएगा, बुरी चीज खाने पीने की, बुरा काम गलत काम करने की इच्छा ही नहीं होगी। यह है योग का लाभ, यह योग की महिमा। माने अंदर से बुराई अशुभ नष्ट हो जाएगा। आइए अब पहले अंगुली माथे पर रखिए, शेष तीन अंगुली आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, मुख भी बंद, ओंकार का नाद ना सिखा से कम तीन से पांच बार ये भ्रामरी प्राणायाम करना है। तो आइए कम से कम तीन बार रोज किया करें भ्रामरी, तीन से पांच बार, पांच बार कर लेते हैं तो और ज्यादा आनंद आता है। चलो पांच बार करवा देते हैं, कान बंद मुख भी बंद ओंकार का नाद ना सिखा से पांच बार भ्रामरी, पांच बार उद्गीत, अपने आप ही ध्यान लग जाता है। आज्ञा चक्र से लेकर के पूरे सृष्टि चक्र में एक ही भगवान की महिमा फिर नजर आती है। भगवान से ही सब कुछ है, भगवान में ही सब कुछ है, भगवान का ही सब कुछ है। प्रभु मैं भी आपकी शरण में, प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण, आपकी शरण में रहो प्रभु। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, लंबा गहरा श्वास भरेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे, उद्गीत प्राणायाम। अब श्वासों पर ध्यान करें। अब ध्यान के पांच चरण हैं। सबसे पहला चरण साक्षी भाव से स्वयं को देखना। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, घुटनों पर सीधे, मेरुदंड सीधा, आंखें बंद। जैसे हम दृष्टा होकर के साक्षी भाव से आज्ञा चक्र से लेकर के माथे से लेकर के आंखों को, नासिका, ओष्ठ, पूरे मुखमंडल को शिथिल अनुभव करते हैं, ढीला छोड़ देते हैं, सहज हो जाता, पूरा मुखमंडल सहज, फेफड़े, हृदय मंडल, उदर मंडल भी सहज, हाथ सहज, मेरुदंड सहज, पेट पीठ सहज, कमर से लेकर के और पैर की जंघाएं, घुटने, पिंडलियां, एड़ियां, सब कुछ सहज। पहला चरण है शिथिलीकरण का, स्वयं को देह इंद्रियों और मन से पृथक नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव आत्मा के रूप में अनुभव करने का। अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में, अपने प्रकृति में, अपनी चेतना में, अपनी इस उच्च चेतना, दिव्य चेतना, स्वचेतना, आत्म चेतना में, भागवत चेतना में
अपनी निजता में जहां सब प्रकार की पूर्णता है इसमें प्रतिष्ठित हो जाना ये प्रथम चरण हुआ। आत्मा के आश्रय से ये बुद्धि ये इंद्रियां ये देह कार्य करता है। आत्मा का भी आश्रय परमात्मा, परमात्मा के साथ एकाकार हो जाना, श्वास लेते समय एक ओंकार सतनाम ओम तत्सत ओम इतिकाक्षरम ब्रह्म ओम सर्वम खलो इदम ब्रह्म सब कुछ ओंकार मय ब्रह्म मय, आत्मा का आश्रय आलंबन आधार परमात्मा ही है। एतद आलंबनम श्रेष्ठम एतद आलंबनम परम एतद आलंबनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। प्रभो तेरीश हे नाथ हे नारायण मैं तुझे भूलू नहीं, सदा तेरे अंग संग रहूं, आपकी शरणागति में रहूं। प्रभु आपसे ही तो सब कुछ है, आपका ही तो सब कुछ है, आप में ही तो सब कुछ है। प्रभु मैं भी आपका ही हूं, आपका ही होकर के जीऊं। पूर्ण समर्पण ईश प्रणिधानात्व तीव्र संवेगा नाम आसन्न प्रभु सब ज्ञान आपसे है, सब शक्ति सामर्थ्य सब संवेदनाएं प्रेम करुणा वात्सल्य आपसे है, सब सुख शांति भी आपसे है, सब ज्ञान के सब शक्ति सामर्थ्य के सब संवेदनाओं के सब सुख के सब शांति के जीव जगत के मनुष्य और मनुष्येतर इस पूरे अस्तित्व के व्यष्टि के समष्टि के सबके आधार प्रभु आप ही सर्वाधार ही सर्वेश ही सर्वज्ञ ही सर्वांतरिया सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद स्वरूप अजर अमर नित्य अविनाशी प्रभु आपकी शरण भगवत शरणागति पूर्ण समर्पण। श्वास लेते समय ओम, श्वास छोड़ते समय ओम। ध्यान का समाधि का अर्थ है भगवान के साथ एकाकार हो जाए। जब भगवान के साथ एकाकार हो जाते हैं तो भगवान के दिव्य ज्ञान से भगवान की दिव्य शक्ति सामर्थ्य ऐश्वर्य भूति से भगवान के दिव्य संवेदनाओं से दिव्य प्रेम करुणा वात्सल्य से दिव्य सुख शांति से सब प्रकार के दिव्यताओं से युक्त हो जाते हैं। देवस्य धीमहि और फिर भगवान के ज्ञान से प्रकाशित होकर के भगवान के प्रेरणाओं से प्रेरित होकर के भगवान की आज्ञा के अनुकूल ही हम जीवन को जीने लगते हैं। यह भगवान के दिव्यता को धारण करना और भगवान की आज्ञा में ही जीना, वेद आज्ञा में गुरु शास्त्र आज्ञा में जीना, वेदानुकूल आचरण शास्त्रानुकूल आचरण योगानुकूल आचरण ऐसे ही श्वासों के साथ बस भगवान के साथ एकाकार होते जाए। ऐसे बैठ करके भी ध्यान कर सकते हैं, अब थोड़ी देर लेट जाएंगे मेरी तरफ सिर कर लेंगे और पीछे की तरफ पैर कर लेंगे, थोड़ी देर लेट करके ध्यान कर लेंगे और रात को सोते समय ऐसे ही सोया करो, ध्यान करते हुए सोया करो भगवान की गोद में भगवान की शरण। हे प्रभु हे नाथ हे नारायण मैं तुझे भूलू नहीं, सदा तेरे अंग संग रहूं। यत करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदार्पणम्। प्रातः प्रभृति सायं अन्तः यत् करोमि जगन्मात तत् सर्वं तव पूज्यम्।
प्रभो हम में ही बस जा, प्रभो यदग्ने श्याम अहम त्वम त्वम वाखा स्याह स्योष्टि सत्याह इहाशिष। प्रभु एक क्षण भी आपको भूलो नहीं, हे नाथ हे नारायण मैं आपको भूलो नहीं, सृष्टि के कण कण में आपको देखो, क्षण क्षण में आपको अनुभव करो। विश्वाह कर्माणि पश्यत यतो क्रमाणि, विश्वाह कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पश्ये इंद्रस्य यज्ञस्य तद्विश्वाह परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराद ओमद्वयं तमसस्परि स्वः पश्यन्तोत्तरं देवं देवत्र सौर्यमगन्मच्छ्योतिरुत्तम। प्रभु हर समय आपके साथ जुड़ा रहा, आपके प्रकाश से, आपके ज्ञान से, आपके समस्त दिव्यताओं से युक्त होकर के, आपका प्रतिरूप होकर के हम शाश्वत के ही तो प्रतिनिधि। ये तो भ्रम है कि हम कर रहे हैं, सत्य तो यह है सब कुछ जानने की, सब कुछ करने की शक्ति सामर्थ्य परमात्मा ने दे रहा है। सब ज्ञान का, सब सुख का, समृद्धि का, ऐश्वर्य का मूल स्रोत भगवान ही, हम तो निमित्त मात्र हैं, सब कुछ भगवान का ही है, भगवान के लिए ही है, भगवान में, भगवान से ही। प्रभु मैं भी आपका ही, आपकी शरण में। ऐसे श्वासों के साथ ध्यान करते करते प्रथम शिथिलीकरण, फिर सवासन, पूर्ण समर्पण भगवान के चरणों, भगवान के दिव्यताओं से युक्त होना, फिर भगवान की दिव्यताओं के अनुसार ही आचरण करना, जीवन मुक्त हो जाते हैं। जीते जी मुक्त हो गए, प्रभु से युक्त हो गया, जो जीते जी प्रभु से युक्त हो गया वो जीवन मुक्त हो गया। ऐसे देह में रहते विदेह हमें बनना है, जीते जी हमें मुक्त होना, जीवन मुक्त होना, इसी जन्म में योगी बनना है, आत्मवेत्ता बनना, आत्म साक्षात्कार करना। ऐसे हृदय चक्र में, आज्ञा चक्र में, किसी भी एक चक्र विशेष में मन को टिका देते हैं और वहीं खो जाते हैं, प्रभु के साथ एक हो जाते हैं। पूरे शरीर में पुनः ऊर्जा का अनुभव करें, दोनों हाथों को उठाए, आपस में रगड़ें, दोनों हाथों करते हुए बाएं और करवट लेते हुए अब बैठ जाते हैं। सब सो ही गए, कुछ की समाधि लग गई, कुछ का ध्यान लग गया, अब ओम का उच्चारण करते हुए उठ जाएंगे। जन्म सफल होगा रे बंदे, मन में ओम बसा ले, मन में ओम बसा ले। जन्म सफल होगा रे बंदे, मन में ओम बसा ले, मन में ओम बसा ले। ओम नाम के मोती को, ओम नाम के मोती
मोती को सांसों की माला बना ले, मन में रोम बसा ले, मन में ओम बसा ले, मन में ओम बसा। तो आज आपको पहले थोड़ी देर बैठ के ध्यान कराया और ध्यान करते करते आपको पूरा फिर समाधि लगा दिया आपके। तो कैसा लगा ध्यान और शवासन करके? बहुत अच्छा, पूरे मस्त। बोले बाबा जी पता नहीं कहाँ खो जाते हैं। अच्छे बताओ, जब ऐसे शवासन पूरा हो जाता है ना, पता ही नहीं लगता कहाँ खो गए, सारी दुनिया भूल जाते हैं, किसी दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। जब गाढ़ निद्रा आती है तब इसमें सुख मिलता है कि नहीं मिलता? इसका मतलब सुख स्त्री और पुरुष में नहीं, सुख खाने पीने में नहीं, सुख सत्ता संपत्ति नेम फेम भौतिक सुखों में, संबंधों में, संपत्ति ऐश्वर्य में नहीं। सुख कहाँ है? अपने भीतर है। और ये कब मिलता है? जब हम बहुत सुखी होते हैं। होता क्या है ये सोचो, जब बहुत अच्छा खा के हम सुखी हो जाते हैं, बहुत अच्छा पी करके, बहुत अच्छा देख करके, बहुत अच्छा सुन करके, किसी के साथ में एक हो करके, माता पिता के, गुरु के साथ, भगवान के साथ, पति पत्नी एक दूसरे के साथ, माता पिता बच्चों के साथ, किसी अपने मित्र के साथ जब एक हो जाते हैं तो होता क्या है? उस समय हम शून्य में चले जाते हैं। क्या हो जाते हैं बोलो? कोई भी सुख जिसको कहते हैं ना, वो कहाँ लेके जाता है? हमें शून्य में लेकर के चला जाता है। लेकिन फिर वो जो दुनिया का जो शून्य में ले जाने वाला सुख है ना, जब फिर वापस लौटते हैं फिर वैसे ही हो जाते हैं। ये योग और ध्यान से जो सुख मिलता है ना, इससे हम ऐसे शून्य में चले जाते हैं, फिर वहां से लौट करके फिर ये सुख घटता नहीं है, फिर ये सुख बढ़ता ही रहता है। हमने ये सुख पा लिया है, इसलिए हमें दुनिया का कोई सुख अब अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है। यह है योग की महिमा। तत्परम पुरुष ख्यातिर गुणवत् ऋष्यम विषयाह विनिवर्तन्ते निरहरस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। ऐसे ऐसे इस स्थिति तक आपको लेकर के जाना है। तो ध्यान की कुछ अवस्थाएं समझ में आई? पहले तो अपने आप को शिथिल करना सीखो, अपने स्वरूप में लौटना सीखो, शरीर इंद्रियों मन से बुद्धि से चित्त से पार। सबसे पहले अपने स्वरूप में लौटना सीखना, ये ध्यान का पहला चरण है। फिर अपने आप को भगवान के चरणों में, कोई ना कोई चीज किसी ने किसी के आश्रय से टिकी है ना, हम इस धरती के आश्रय से टिके हैं। ये धरती, ये सूर्य, चंद्रमा, ये पृथ्वी, ये सारा ब्रह्मांड एक दूसरे के आश्रय से, आकर्षण से टिका है। और सब किसके आकर्षण से, सब किसके आश्रय से टिके? सब भगवान के आश्रय से टिके। तो आत्मा का भी, को भी परमात्मा का आश्रय, प्रभु तेरा ही आसरा, प्रभु तेरी शरण, भगवत शरणागति। और फिर भगवान की शरण में जिसके पास जाओगे उससे हो पाओगे। भगवान की शरण में आते हैं तो भगवान का ज्ञान, भगवान का प्रेम, भगवान का सुख, भगवान की शांति, भगवान का ऐश्वर्य, भगवान की भूति, दिव्य शक्तियां पा लेते हैं। ये कहते हैं ना भगवान की, उसने उपासना की, ऐसी पौराणिक कथाएं सुनते रहते हैं ना, उसने परमात्मा की उपासना की, तप किया, साधना की, भक्ति की, और उससे शक्ति मिल गई उसको। तो भगवान की भक्ति से क्या मिलेगी? भगवान के समर्पण से, भगवान की भक्ति से भगवान की शक्ति। तो भगवान के दिव्य ज्ञान से भी, भगवान की दिव्य शक्तियों से युक्त हो जाते हैं। ये तीसरी स्थिति है। और फिर भगवान की शक्तियों से युक्त होकर के, भगवान के मूर्त रूप होकर के हम जीवन जीने लग जाते हैं। यह भगवान की दिव्यताओं से युक्त होकर के जीना। फिर मैंने अंतिम बात कही थी, मुक्ति क्या है?
भगवान के साथ जब युक्त हो जाते हैं तो फिर मुक्त हो जाते हैं। जब भगवान के साथ मुक्त हो गए, भगवान के साथ युक्त हो गए तो सारे दुखों से मुक्त हो गए। ये स्थितियां आती है, धीरे धीरे आएंगी। एक दिन में नहीं आए तो कोई बात नहीं, एक दिन में तो कुछ भी नहीं होता भाई, एक दिन में तो थोड़ा सा होता है कुछ भी। धीरे 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 अंकुर फूटता है किसी बीज से और वो पेड़ बन जाता है, वृक्ष बन जाता है। धीरे धीरे माँ के कोख में हमारा भ्रूण विकसित हुआ, हम स्त्री पुरुष के रूप में पैदा हो गए। धीरे धीरे हम बच्चे से फिर जवान हुए। अब देखो अपने आप को देखो, किसी को भी दाढ़ी मूछ नहीं थे पहले, दाढ़ी मूछ भी आ गए। पहले काले काले होते हैं, बाद में थोड़े सफेद भी हो जाते हैं। तो सनई शनई सब कुछ होता है। तो आप रोज योग करते रहना, एक दिन तुम सब भी इसी जन्म में, इसी जीवन में मुक्त हो जाओगे। ये आप सबके लिए प्रभु की चरण में प्रार्थना और आशीर्वाद आपके लिए। आपको अब योग के बारे में थोड़ा सा, योग का दर्शन बताते हैं थोड़ा। ये ज्ञानामृत आपको दिए इस पुस्तक में, योग दर्शन, गीता और अलग अलग नीति शास्त्रों के सुंदर श्लोक, वेद दर्शन, उपनिषदों के सब बड़े महान मंत्र आदि सब इसके अंदर है, सब प्रसंग है। तो आप इसमें पढ़ते हैं। तो योग के साधन क्या हैं, टूल्स क्या हैं? देखो, बिना साधन के कोई साध्य नहीं मिलता है। अब जैसे हमें यहां से दिल्ली तक की यात्रा करनी है तो कोई ना कोई साधन लेना पड़ेगा ना, मार्ग लेना पड़ेगा ना। या तो जमीन के मार्ग से जाएंगे या आकाश के मार्ग से जाएंगे। जमीन के मार्ग से जाएंगे तो कैसे जाएंगे? या तो पैदल चल के जाएंगे, साइकिल से जाएंगे, मोटरसाइकिल से जाएंगे, गाड़ी से जाएंगे। अब जाइए तो भूमि मार्ग हो गया। फिर आकाश मार्ग से जाएंगे तो कैसे जाएंगे? या तो हेलीकॉप्टर से जाएंगे या जहाज से जाएंगे। मार्ग तो चाहिए, साधन तो चाहिए, बिना साधन के साधे नहीं मिलता है। तो योग का ये मार्ग क्या है, योग का साधन क्या है? तो महर्षि पतंजलि ने पहले दो योग के साधन बताए। योग का मार्ग बोलो, योग का साधन बोलो। तो सबसे पहले दो साधन बताए, मेरे साथ सभी बोलेंगे, योगश चित्तवृत्ति निरोध। चित्त में जो वृत्तियां विचार उठ रहे हैं इनका थम जाना, रुक जाना, ठहर जाना, ये योग है। फिर क्या होता है, जब ये चित्त में उठते हुए विचार ठहर जाते हैं तो मौन में चले जाते हैं। अभी जो मैं बोल रहा था ना, यही समाधि है, मौन में जाना, यही सुख है, शून्य जैसी स्थिति में पहुंच जाते हैं। तदा दृष्टो स्वरूपी अवस्थान, उस समय हम अपने स्वरूप में चले जाते हैं। नहीं तो हम शरीर के स्तर पर, इंद्रियों के स्तर पर, मन के स्तर पर ही जीते रहते हैं ना जीवन को। शरीर इंद्रिय और मन के स्तर पर नहीं जीना। जो मन में उठा उधर बह गया हो तो भोग है। मन में काम उठा तो हम अपने आप को काम ही अनुभव करते। देखो अपना खुद का एनालिसिस करो, अपना मूल्यांकन करो, आत्मनिरीक्षण करो। जब हमारे मन में काम उठता है तो हम खुद को क्या मान लेते हैं, बोलो, काम ही। जब क्रोध उठता है तो क्या मान लेते हैं, क्रोध ही। जब लोभ उठता है तो लोभी। जब भूख उठती है तो भूखा भूखा। जब प्यास उठती है तो प्यासा। जब थकान हो जाती है तब निद्रा में सो जाते हैं, निद्रालु। जो उठता है मन में वो ही हम हो जाते हैं। लेकिन ये हम नहीं है, ये तो शरीर इंद्रिय और मन के भाव है। इससे आगे अपना स्वरूप है, वृत्ति सारूप्य मित्रत्व। तदा दृष्टुहु स्वरूपी अवस्थानम, बोलिए, तदा दृष्टुहु स्वरूपी अवस्थानम। तदा, तब दृष्टु माने दृष्टा आत्मा, दृष्टा आत्मा जो सबको देख रहा है, और दृष्टा परमात्मा, अपने परमा और परमात्मा के स्वरूप में ठहर जाना, ये योग है। इसमें कैसे ठहरा जाएगा, इसका अभ्यास करना पड़ेगा।